हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टाफिंग गॉड। मैं हूं गौरव और दोस्तों ये मेरी बुलियन सर्च स्ट्रिंग्स की तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे डेवॉप्स इंजीनियर की या डेवॉप्स होता क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी से ही मोटिवेशन मिलती है और वीडियोज़ बनाने की। तो चलिए बात करते हैं डेवॉप्स की, डेवॉप्स इंजीनियर की। दोस्तों जैसे डेवॉप्स आप सुनते हैं या पढ़ते हैं तो डेवॉप्स के नाम से ही पता चलता है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू टर्म्स, डेव एंड ऑप्स। डेव स्टैंड्स फॉर डेवलपर एंड ऑप्स स्टैंड्स फॉर ऑपरेशंस। सो जो डेवॉप्स होता है वो मिक्सचर होता है डेवलपमेंट का भी एंड ऑपरेशंस का भी। तो मतलब जो बंदा डेवलपमेंट भी जानता हो और उसे ऑपरेशंस में भी नॉलेज हो। तो चलिए इसकी एक हम थियोरेटिकल इसकी डेफिनेशन देखते हैं और आगे बात करते हैं। सो डेवॉप्स इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस दैट कंबाइन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड आईटी ऑपरेशंस। इट एम्स टू शॉर्टन द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस डिलीवरी विद हाई सॉफ्टवेयर क्वालिटी। सो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि डेवॉप्स इज अ सेट ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। अब क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज अ डेवॉप्स इंजीनियर। सो डेवॉप्स इंजीनियर्स क्या होते हैं? डेवॉप्स इंजीनियर्स वर्क्स विद डेवलपर्स एंड द आईटी स्टाफ टू ओवरसी द कोड रिलीजेस। दे आर आइदर डेवलपर्स हु गेट इंटरेस्टेड इन डिप्लॉयमेंट एंड नेटवर्क ऑपरेशंस और सिस्टम एडमिन्स who have a passion for scripting and coding and move into the development side where they can improve the planning of test and deployment. So, DevOps engineer वो लोग होते हैं जो work करते हैं developers के साथ और IT staff के साथ, जिस जो कि code release को oversee करते हैं. Now, what are the DevOps skills? या डेवॉप्स इंजीनियर बनने के लिए कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं? फर्स्ट वन इज एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डिलीवरी पाइपलाइंस, जिन्हें हम बोलते हैं CI/CD, शॉर्ट टर्म आपने कई बार देखी होंगी या पढ़ी होंगी। गुड हैंड्स ऑन नॉलेज ऑफ कॉन्फिग्रेशन मैनेजमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स लाइक पपेट, एंसिबल, शेफ, Terraform, etc. Proficient in scripting and Git workflows. Knowledge of one cloud platform, any of these, AWS, Azure, GCP, etc. So, ये थी DevOps engineer बनने के लिए skill set. So, अभी हमने समझ लिया कि DevOps क्या होता है, DevOps इंजीनियर क्या होता है, या DevOps इंजीनियर बनने के लिए या DevOps कंसल्टेंट बनने के लिए कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात करते हैं हमारी वीडियो का जो फाइनल पार्ट होता है, स्ट्रिंग्स के बारे में, स्ट्रिंग्स कैसे बनाई जाए। तो जैसा कि मैंने आपको स्किल सेट्स में बताया, उन्हीं स्किल सेट से हमें इसकी स्ट्रिंग बनानी है। तो देखते हैं। सो बुलियन सर्च स्ट्रिंग फॉर डेवॉप्स इंजीनियर, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन और कॉन्टिन्यूस डिलीवरी इसके अंदर होती है, CI/CD भी जिसे हम बोलते हैं, हम उसे वोट उसमें ये डाल देंगे और करके, प्लस इसके जो हमारे ऑटोमेशन टूल्स हैं पपेट और एनसीबल और शेफ और टेराफॉर्म, हम ये डाल देंगे, प्लस क्लाउड की जो क्लाउड से रिलेटेड है, AWS हो गया, Azure हो गया और GCP हो गया, ये डाल देंगे एंड गिट डाल देंगे। सो जब हम इतना सब कुछ डालेंगे तो इससे बहुत चांसेस हैं कि हमारे रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा आएंगे, प्लस क्लाउड इंजीनियर या क्लाउड डेवलपर टाइप के बंदे भी बहुत आएंगे। तो इसे स्पेसिफिक बनाने के लिए हम इसमें DevOps भी डाल देंगे। DevOps, चाहे आप DevOps इंजीनियर ढूंढ रहे हैं तो DevOps इंजीनियर डाल दीजिए, रिजल्ट कम आते हैं तो इंजीनियर हटा दीजिए, सिर्फ DevOps रहने दीजिए, और जो भी रिक्वायरमेंट में दिया हो इस स्ट्रिंग के साथ, उन रिक्वायरमेंट में जो स्किल सेट दिया हो उस स्किल सेट को आप मिक्स कर देंगे तो आपके रिलेटेड कैंडिडेट्स निकलेंगे जो कि DevOps इंजीनियर होंगे और उन्हें एक्सपीरियंस होगा जो आपके स्किल सेट में रिक्वायर्ड है।
सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि डेवॉप्स इंजीनियर क्या होता है, उसकी सर्च स्ट्रिंग कैसे बनाई जाती है। ये सर्च स्ट्रिंग आपकी किसी भी जॉब पोर्टल पे काम करेगी, बुलियन सर्च स्ट्रिंग जिसमें भी चलती होगी सब पे काम करेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा डेवॉप्स इंजीनियर क्या होते हैं और कैसे इनकी स्ट्रिंग बनाई जाती है। सो दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज कॉमेंट एंड प्लीज शेयर एज मच एज यू कैन। And be safe, और मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।